डेली वो कैब सुबह 8 बजे, मैथ्स मंथन सुबह 10 बजे, जीके ज्ञान दोपहर 12 बजे, रीजनिंग मंत्रा दोपहर 2 बजे, इंग्लिश डोज शाम 4 बजे, द हिंदू एनालिसिस सुबह 6 बजे, रीजनिंग मंत्रा सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे, इंग्लिश डोज दोपहर 1 बजे, यूपी पुलिस रीजनिंग शाम 5 बजे, डिफेंस स्पेशल शाम 6 बजे, यूपी पुलिस गणित शाम 7 बजे, यूपी पुलिस हिंदी व सामान्य ज्ञान रात 8 बजे, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई फाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हम 12 बजे जीके की क्लास करते हैं और जिसके अंदर काफी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके आने वाले सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और स्पेशली आपके आने वाले CHSL के लिए। तो काफी कुछ आज भी हम डिस्कस करेंगे और आज भी हम देखेंगे कि किस प्रकार के पिछली बार जीके के अंदर सवाल पूछे गए और किस तरीके से रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका पेपर फर्स्ट डे नहीं है ना, अगर CHSL का जिस दिन पहले दिन जो पेपर होने वाले हैं उसके बाद में अगर आपका पेपर है तो उन पहले वाले पेपर को जरूर देखिएगा। हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे उन पेपर का, क्योंकि मैं जो पिछले एक महीने से देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 30-35 या 40 पेपर हम कवरअप कर चुके हैं पिछले साल के, तो उसके अंदर हमेशा जो टॉपिक्स है वो सेम ही है, हमेशा एक तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वो तो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जब पेपर होएगा ना तो वो सारे पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो जैसा कि हमारा टारगेट क्या है कि 50 में से 50 हमें लेके आना है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज है, ये सारी स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज भी आप काफी कुछ नया सीखेंगे। और नवेंदु कुमार जी नए आए हैं, नवेंदु जी वेलकम टू द फैमिली। और क्वेश्चन करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछा गया और ये किससे, सलीम चिश्ती की दरगाह से। ठीक है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है, तो ये आपको बताना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने अगर परदेश मूवी देखी हो तो परदेश मूवी की जो आखिरी की शूटिंग है ना, वो एक जगह की शूटिंग है, और वो कौन सी जगह पर है, आगरा में है। आगरा कहां पर है, यूपी में है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात तो फतेहपुर सीकरी कहां पर है, आगरा के अंदर है। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, जब उसने गुजरात के अंदर एक कैंपेन, गुजरात पंजाब में उसने एक दो वॉर जीती थी, तब उसने इसको बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात क्या है कि फतेहपुर सीकरी जो उसने बनवाया था ना, उसके अंदर काफी चीजें और भी है जो कि बनवाई थी। आपने सुना होगा पंचमहल का नाम, ठीक है, वैसे बीरबल हाउस का नाम सुना होगा आपने, वैसे बुलंद दरवाजा पेपर में बहुत बार पूछते हैं, बुलंद दरवाजा कहां पर है। वैसे दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, और वैसे खास। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किसी के अंदर है, एक फतेहपुर सीकरी के अंदर ही है, तो ये आपको ध्यान रखना। साथ में जो टॉम्ब है किसका, सलीम चिश्ती का, वो भी यहीं पर ही है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी, पेपर में बहुत बार सवाल इससे आता रहता है। और ठीक है, तो काफी लोगों ने सीखा है। श्वेत कमल जी की भी आज पहली क्लास है। और ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या होगा, फतेहपुर सीकरी इसका सही आंसर होगा, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है। साथ में आपको पता है ना कि हुमायूं टॉम, तो उनकी जो बेगम थी बानू बेगम, हुमायूं की जो बीवी थी, उन्होंने बनवाया था, दिल्ली के अंदर है। ग्वालियर फोर्ट ग्वालियर MP के अंदर है। ग्वालियर फोर्ट हिंदू किंग थे वहां के लोकल, उन्होंने उसको बनवाया था। ठीक है, आगरा फोर्ट के बारे में पता है ना, आगरा फोर्ट बना हुआ तो काफी पहले का था, लेकिन इसको अकबर ने रिबिल्ड करवाया था। ठीक है, इसको काफी बाद में आके अकबर ने इसको वापस से रिबिल्ड करवाया था। तो बिल्कुल सही बात है, काफी लोगों ने आंसर सही दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं इमेज, अगर किसी ने फतेहपुर सीकरी नहीं देखा है तो ये फतेहपुर सीकरी है, और परदेश की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, परदेश का जो लास्ट की जो मूवी थी वो यहीं पे शूट हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, और कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, 50 बार मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, और इसका क्वेश्चन भी मैं आपको आंसर भी बता चुका हूं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिले हैं अभी तक, मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था, वापस से कर रहा हूं जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, मैं आपको रटा दूंगा फ्रेंड, जीके आपकी रट जाएगी पूरी की पूरी। एक ही चीज को 10 बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगी, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जीके के अंदर। ठीक है, बस आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए वाईफाई स्टडी के साथ में।
तो 1954 को आपको पता है नेशनल अवार्ड और फिल्मफेयर अवार्ड दोनों स्टार्ट करे गए थे। उसके बाद में हर साल नेशनल अवार्ड दिए, ये फिल्मफेयर अवार्ड दिए गए। और मैक्सिमम टाइम किसने जीते हैं एक्टिंग के अंदर, दिलीप कुमार और साथ में शाहरुख खान। शाहरुख खान और दिलीप कुमार इन दोनों ने आठ आठ बार ये अवार्ड जीता है। तो आंसर क्या होगा, शाहरुख खान इसका सही आंसर होगा। कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि म्यूजिक के अंदर सबसे बार किसको ज्यादा मिला है अवार्ड फिल्मफेयर, तो एआर रहमान था। ठीक है, एआर रहमान साहब को कई बार अवार्ड मिल चुका है फिल्मफेयर। अगर मैं 2018 की बात करूं तो मैं आपको बताया था कि 2018 की फिल्मफेयर इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी मीडियम मूवी है, हिंदी मीडियम, तो उस वो मूवी बेस्ट मूवी बनी है और इरफान खान को उस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2017 में किसको मिला था, दंगल को मिला था। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखनी। काफी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है और जो लोग लेट आए फ्रेंड कोई इशू नहीं है, अभी सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही हमने कवर अप किया है। ठीक है, और शिवाजी बोल रहे हैं कि थैंक यू फॉर ऑल दिस क्लासेस। तो शिवाजी ये हमारा प्लेजर है कि आप सभी को पढ़ाने को मिल रहा है इतना, और कोशिश है आप अपना सिलेक्शन जरूर करवाएंगे फ्रेंड। जितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद में जब आप हमें मैसेज करेंगे, मेल करेंगे, वाईफा स्टडी के में टीम से मिलेंगे, तो हमें जितनी खुशी होगी ना वो आपसे ज्यादा कहीं ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो अपने पास मेहनत को बराबर रखिए, सिलेक्शन जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे बड़ा ही सिंपल सा बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी बायो के ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो सारे मैं पहले कवर अप करा चुका हूँ। 200 क्लासेस से ज्यादा क्लासेस है जो कि मैंने पहले कंडक्ट करी थी जीके की, तो क्लासेस को जरूर अटेंड करिए। इंडिया का कोई सा भी ऐसा पेपर नहीं बचेगा जिसके जीके क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो क्लासेस जरूर देखिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ में आपसे पूछा गया पटाइलिन के बारे में, एंजाइम होता है पटाइलिन जो कि आपके डाइजेशन का काम करता है, जो अपना खाना होता है ना उसको ब्रेक करने का काम करता है। आपको पता ना कि हम जब खाते हैं तो हमारे टीथ उसको ब्रेक डाउन करते हैं खाने को, उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड होता है जिससे 2-3 तरीके के जो कि एंजाइम का रिलीज करते हैं और वो एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं हमारे फूड को। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये जो पटाइलिन है वो कौन सा करता है, सलाइवरी ग्लैंड करता है, जिससे हमारी सलाइवा निकलती है ना। होता है ना कि सलाइवा कई बार हमारे 1 या 1.5 लीटर के आसपास हमारे माउथ के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होती है पर डे, तो ये सलाइवरी ग्लैंड ही वो काम करता है। तो आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। तो यहाँ पे लोगों ने जो आंसर दिया है काफी गलत लोगों ने आंसर दिया है काफी लोगों ने यहाँ पे, और उम्मीद है कि आप सही आंसर करेंगे। कुछ बच्चों ने गलत दिया, बाकी मेजरली लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, तो आपकी जीके इंप्रूव हो रही है, बिल्कुल सही बात है। पैनक्रियाज आपको पता ही है। ठीक है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है जो कि डाइजेशन का काम करती है। वैसे थायराइड ग्लैंड है, थायरोक्सिन करती है, थायरोक्सिन हमारी जो मेटाबॉलिक रेट होती है हमारी बॉडी में उसको मैनेज करने का काम करती है। वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है ब्रेन के अंदर होता है और मास्टर ग्लैंड होता है सभी का, हमारी ग्रोथ करवाने का पूरा काम उसी का ही है। और सलाइवरी ग्लैंड मैंने आपको बता ही दिया, आप इमेज में देख सकते हैं कहां पे सलाइवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने इमेज जो है ना वो किसकी है, सलाइवरी ग्लैंड की इमेज है। तो इसके अंदर 3 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, और इनके फंक्शंस भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाली इमेज के अंदर। तो पटाइलिन जो है ये एमिलेस, सलाइवरी एमिलेस होता है पटाइलिन, जो कि केमिकल का डाइजेशन कराना, डाइजेस्ट करवाना हमारे स्टार्च को, डिजोल्व करना फूड को, ये सारे काम करता है। ओके, तो उम्मीद है कि आप फ्यूचर में ये नाम कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा सही करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कई बच्चों को मुझे लगता है कि थायराइड के बारे में पता नहीं होगा, तो आप नेक्स्ट वाली इमेज देख सकते हैं, वो थायराइड ग्लैंड से लेकर, ये देखिए थायराइड ग्लैंड आपका, तो थायरोक्सिन का रिलीज ये करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्लड कैल्शियम लेवल भी यही मेंटेन करने का काम करता है। ब्लड कैल्शियम हमारी बॉडी में ज्यादा होगा तो क्या बन जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे स्टोन हो जाएंगे, तो वो भी उसको लो रखने का काम भी कौन करता है, कैल्सिटोनिन करता है, जो कि थायराइड ग्लैंड ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दोनों तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पैट्रिडो फैटा के बारे में कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि पैट्रिडो फैटा के बारे में सही नहीं है। अब देखिए पैट्रिडो फाइट की अगर मैं बात करूं तो पैट्रिडो फाइट में पहले पढ़ा चुका हूं आपको, एंजियोस्पर्म, गायनो जिम्नोस्पर्म्स ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके जो मेजर जो बात होती है जो कि मैंने पहले भी बताई थी जो है पैट्रिडो फाइट के बारे में, कि ये जो होते ना ये सीडलेस होते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सीड नहीं होते हैं इसके अंदर। जैसे फर्न सुनोगे ना, फर्न की पत्तियां होती है, फर्न की, उसके अंदर सीड नहीं होते हैं, ये सीडलेस होते हैं। तो ये स्पोर्ट्स के थ्रू जर्मिनेशन करते हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू इनका ये पैदा होता है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो बिल्कुल पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डोमिनेट फेज इज सैप्रोफाइट्स,
और डिप्लॉयड भी बिल्कुल सही है, और जो फ्लावर्स है वो इसमें एबसेंट होते हैं, ये बात भी सही है। जो ट्रू नहीं है ना वो सी वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सी वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है, इसमें लिखा हुआ है सीड्स आर प्रेजेंट, वो नहीं होता है। क्या होता है पेटेटोफाइट, वापस से मैं आपको बता रहा हूं, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ठीक है। तो आपके सामने पेटेटोफाइट है जो कि मैंने फर्न से इसको रिलेट किया है। देखिए तीन पार्ट्स होते हैं इसके, रूट, स्टेम, लीव्स, और वस्कुलर टिश्यूज होते हैं यानी कि फाइलम, जाइलम इसके अंदर अवेलेबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। नेक्स्ट देखिए जो कि इसकी डेफिनेशन है आपके लिए, पेटेटोफाइट होते क्या है, फाइलम है प्लांट्स के, वस्कुलर प्लांट्स हैं इनके अंदर, और स्पोर्ट्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और सीड्स इसके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। ये सारी बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, पेपर में कई बार इससे रिलेटेड पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डॉल्फिन से रिलेटेड, ठीक है, कि द लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पीशीज जिसको हम ऑर्का बोलते हैं उसका दूसरा नाम क्या है। देखिए कई तरीके की डॉल्फिन होती है, ठीक है, एक तो ऑर्का होती है, एक बॉटल नोज होती है, एक आपकी बायजी भी होती है, बायजी होती है जिसकी बड़ी वाली नोज होती है जो कि चाइना के अंदर मिलती है। तो दो तीन तरीके की ये व्हेल्स होती है, ठीक है, मैं आपको डॉल्फिन होती है, मैं आपको वापस से ऑप्शन में लिखा हुआ है इनके नाम, बाकी जो डॉल्फिन है ना इनके नाम लिखे हुए ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉटल नोज है, बायजी है, वैसे किलर व्हेल है। तो ये जो ऑर्का है ना जो कि लार्जेस्ट डॉल्फिन की स्पीशीज है, इसका नाम दूसरा क्या है, इसका किलर व्हेल इसका सही नाम है। काफी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, किलर व्हेल, इसको हम किलर व्हेल हम इसको बोलते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं ये आपको मेजरली इंडिया के जो वर्ल्ड के सारे जो ओशंस है ना वहां पे कई जगह पे मिल जाएंगी। तो ये जो ब्लैक कलर की जो नजर आएगी ये दूसरी वाली है, ये बॉटल नोज है, और तीसरी आप देखोगे, ठीक है, ये वाली जो है ना ये बायजी है, ये मिलती है आपको चाइना की जो रिवर्स है ना यांगजी रिवर, ये वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तीन तरीके की व्हेल्स है जो कि आपको ध्यान रखनी है। और रचना जी बोल रही है चंडीगढ़ आने के लिए, और डेफिनेटली रचना जी चंडीगढ़ भी हम जरूर आएंगे। अभी जो नेक्स्ट मीटअप है वो तो वैसे लखनऊ में, उससे पहले दिल्ली में थी, अभी नेक्स्ट जो है वो 24 तारीख को लखनऊ के अंदर है रविंद्र ऑडिटोरियम में, चार बाग में, दिन में 2 बजे। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट विजिट होगी वो सारी सिटीज धीरे धीरे कवर अप करी जाएगी रचना जी, तो आपकी सिटी में भी जरूर आएंगे। साथ में फ्रेंड्स कोई भी नोटिफिकेशन होता है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है, तो वो आपको कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिलता है देखने को। कम्युनिटी वाला सेक्शन कहाँ है, यूट्यूब चैनल जब आप वाईफाई स्टडी का खोलेंगे तो वहां पर आपको एक कम्युनिटी सेक्शन मिलेगा, तो दिन में एक बार उसको जरूर विजिट किया कीजिए ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलती रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे होने में तो, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कुछ एक से लेकर 10 तक के तो आपको सारे याद होने ही चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एटॉमिक नंबर क्या सारे याद करने जरूरी है तो सारे याद मत करिए, लेकिन कुछ एक तो याद करना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं शुरू में CFO, ठीक है, CNOFN, ठीक है, CNOFN, यहाँ पर काफी बच्चों ने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया है CNOFN, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए 2, 2, 4, 5, तो ये हो गए 5 और 5 ये हो गए। अब देखिए ये सारे एटॉमिक नंबर है ऑर्डर के अंदर, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 तक तो आपको याद करने ही करने, पेपर में बहुत बार आता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही चल गया हाइड्रोजन इसका आंसर है, ये आपका हीलियम है, ठीक है, ये आपका लिथियम है, नाइट्रोजन और नियॉन हो गया, उसके बाद में कार्बन है, ठीक है, HHLNN, यहां पे NN नहीं होगा, यहां पे BB होगा एक्चुअली, ठीक है। यहां पे थर्ड और फोर्थ का, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो बी होता है, बर्लेनियम और बोरोन होता है एक्चुअली, नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन तो यहां पर आ जाएगा, तो यह होगा बर्लेनियम और बी होगा आपका बोरोन, ठीक है। उसके बाद सही है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद में फ्लोरीन और साथ में नियॉन। तो इस तरीके से ये ऑर्डर है जो कि आपको ध्यान रखना है और कई बार पेपर में आता है। तो एक से लेकर 10 तक के आप याद कर लीजिए, इतना भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट होगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने जो आंसर दिया है ये बिल्कुल सही आंसर दिया है, काफी लोगों का सही आंसर है, और हाँ बिल्कुल सही कहा है साई शेखर जी ने, बिल्कुल सही कहा था बर्लेनियम और बोरोन, और बिल्कुल सही बात है, काफी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है, काफी लोगों को याद भी है एक्चुअली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
और सचिन जी बोल रहे हैं कि जैसे जैसे सीएचएसएल पास आ रहा है डर रहा है। सचिन जी डरने की क्या बात है, जब आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं हमेशा। देखिए ये पीक टाइम आ चुका है, पहले भी बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी लोग। एक जो फैक्टर बचा है वो बचा है लास्ट में टेस्ट सीरीज का, ठीक है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि एक क्रिकेट टीम के अंदर जो फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर का जो फिनिशिंग बैट्समैन होता है ना, उसी तरीके की होती है। तो टेस्ट सीरीज जरूर स्टार्ट करिए, इससे आपको अपनी वीकनेस पता लगेगी, एक्यूरेसी पता लगेगी, कितना आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज जरूर स्टार्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और आपका जो काम है वो फ्री सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, बाकी कितना एग्जाम पास में आ रहा है, नहीं आ रहा है, दूर हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कर्मा क्या है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, यही हमारा मोटिव है। तो बस इसके ऊपर फोकस करिए, पेपर तो अपने आप निकल ही जाएगा, क्योंकि जो मेजर रोल होता है वो बिहाइंड द सीन होता है, कॉम्पिटिशन इज द इजी पार्ट, ठीक है। डेली की जो मेहनत है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे काफी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है, और बिल्कुल सही बात है। एक स्टूडेंट ने कहा है, पुष्पा लता जी ने कहा है कि वाईफाई साथ है तो डरने की क्या बात है। बिल्कुल सही बात है कि जब वाईफाई स्टडी आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद है ये तो आपको याद आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कैल्शियम फ्लोराइड को लेकर, नेट चार्जेस ऑन कैल्शियम फ्लोराइड। तो देखिए कैल्शियम फ्लोराइड के ऊपर नेट चार्जेस होते क्या है, एक्चुअली वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ऐसे कई सारे जो केमिकल जो नेम्स होते हैं वो इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आपको याद है कि नहीं है कि इनके ऊपर जो चार्जेस है वो होते क्या है। तो आपको पता है कि कैल्शियम और अगर फ्लोराइड दोनों के ऊपर वन और माइनस वन हो जाएंगे और वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका आंसर जो क्या होगा। विवेक जी बोल रहे हैं टेस्ट सीरीज की इन्फॉर्मेशन, तो आप देख सकते हैं विवेक जी वाईफाई स्टडी की साइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर कोई इशू नहीं है, सभी बच्चों को वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है और ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लोगों का आंसर आ रहा है, 20 का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ये न्यूट्रल हो जाते हैं, इसके दोनों के चार्जेस आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, आपके सामने एक इमेज होगी किस तरीके से इसके चार्जेस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। और फॉर्मूला देखिए आयनिक कंपाउंड का, एटम है Na प्लस F, ठीक है। NaF क्या है आपके सामने, यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड के बारे में दे रखा है। अब देखिए जिस तरीके से सोडियम फ्लोरिन है वैसे ही कैल्शियम भी है, ओके, कैल्शियम और ये दोनों एक ही बात है, तो कैल्शियम फ्लोराइड बोल लीजिए या फिर आपके अगर कल को सोडियम भी आता है ना तो भी आपको ध्यान रखना है दोनों के जो चार्जेस है वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, प्लस वन माइनस वन। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं और आप सिंपल तरीके से और फ्यूचर में कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया, बड़ा ही सिंपल सा है कि ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड क्या है। और अंकज जी बोल रहे हैं कि इनकी जीके बहुत इंप्रूव हो रही है, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड, जैसे ही जीके इंप्रूव करते रहिए। देखिए जीके के लिए दो चार जो क्लासेस है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सुबह दहिंग एडिटोरियल आपके लिए आता है, अगर आपको बहुत अच्छे लेवल पे अपने आपको अपग्रेड करना है नॉलेज को तो दहिंग एडिटोरियल जरूर रेफर कीजिए। उसके बाद में 8 बजे करंट अफेयर सेक्शन आ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उससे आपकी नॉलेज इंप्रूव नहीं होगी फ्रेंड। द हिंदू न्यूज़पेपर एक बहुत रेलिवेंट सोर्स माना जाता है इन्फॉर्मेशन के लिए, तो द हिंदू को मैं सुबह 8 बजे आपके लिए लेके आता हूँ और पूरा का पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर 20 मिनट के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, तो वो जरूर देखिए। 8:30 बजे वोकैबुलरी क्लास, जीके क्लास, ये दो तीन काम कर लीजिए आप, सिर्फ एडिटोरियल, करंट अफेयर और जीके क्लास। आपके जीके आप देखोगे कि आपका जो ग्राफ है ना जीके का वो इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, एक महीना कर लीजिए आपका ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाएगा नॉलेज के अंदर, ओके। आंसर क्या है इसका, बिल्कुल सही आंसर है OQL, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। OQL क्या है, एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड है, होती क्या है आप देख सकते हैं आपके सामने है, ओके, होती क्या है OQL, एक पावरफुल, ठीक है, पावरफुल और इजी क्या है SQL लाइक क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि स्पेशल फीचर्स के साथ में डील करती है, जैसे कि ठीक है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, वैल्यूज, मेथड, इन सभी से डील करती है। यहाँ पे वाइल्ड बोल रहे हैं कि करंट अफेयर 6 महीने का सफिशियंट है, तो बिल्कुल आपका जो करंट अफेयर 6 महीने का बिल्कुल सफिशियंट है, लेकिन मैं आपको जुलाई से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, जुलाई से लेकर जनवरी एंड तक का करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो जनवरी तक का तो मैंने इंपॉर्टेंट निकाल दिया, जनवरी का बचा दिसंबर तक का निकाल दिया आपके लिए, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2-4-5 दिन और, नेक्स्ट वीक के अंदर मैं करंट अफेयर आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर भी दिया है। और राहुल जी बोल रहे हैं पीरियडिक टेबल का वीडियो, बिल्कुल राहुल जी मैं पीरियडिक टेबल का एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए,
ठीक है, पीरियडिक टेबल को किस तरीके से याद करना है, कौन कौन सी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती है, वो सारा हम उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो OQL के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पावरफुल और इजी SQL लाइक क्वेरी लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप नेक्स्ट इमेज भी देख सकते हैं, नेक्स्ट इमेज तो नहीं है इसकी, ठीक है। तो इतना सही आपके लिए सफिशियंट है कि जो क्वेरीज है, कॉम्प्लेक्स चीजें, उनको रिजॉल्व करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि पूछा गया तरतेली से लेकर टैरटेली। टैरटेली जो है ये फोक डांस कहाँ का है, ठीक है, टैरटेली फोक डांस कहाँ का है ये आपसे पूछा गया। देखिए आपके लिए बहुत, जो फोक डांस है वो बहुत ज्यादा है, 80-100 हमारे देश में फोक डांसेस है, जो कि आपको याद पूरे नहीं करने हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ वही याद करने हैं, और जो प्रीवियस ईयर में आया है आपको सिर्फ वही याद करने हैं। क्लासिकल डांसेस पूरे याद करने हैं, 8 क्लासिकल डांसेस है, पहले भी बता चुका हूँ, वापस से बता रहा हूँ। जैसे कि कथक कहाँ पे होता है, नॉर्थ इंडिया में, कथकली साउथ के अंदर कहाँ पे, केरला में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, और सथरिया आसाम के अंदर, ठीक है। ये सारे के सारे डांसेस आपको ध्यान रखने हैं, जो कि हमारे संगीत नाटक अकेडमी ने क्लासिकल डांसेस की उपाधि इनको दे रखी है। फोक डांसेस की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने इमेज है, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका मध्य प्रदेश। तरतेली जो फोक डांस है वो कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश का डांस है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी इसका सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश का ये डांस है। इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डांस है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे होता है, आसाम के अंदर। भांगड़ा तो आपको पता ही है, भांगड़ा और गिद्धा, भांगड़ा तो पंजाब में मेल करते हैं, और गिद्धा कल वाले पेपर के अंदर आया था, वो फीमेल करती है पंजाब में। गरबा आपको पता ही, गुजरात, घूमर जो है, ठीक है, वो फोक डांस है राजस्थान का। ये घूमर जो है ना, इसमें पंजाब लिखा हुआ है, ये पंजाब नहीं होगा, ये राजस्थान होगा। एक बार पिछली बार भी ये घूमर का जब मैंने बताया था, तो एक स्टूडेंट ने पूछा था ये झूमर और घूमर के अलग होते हैं क्या, अलग नहीं है, घूमर ही है ये, घूमर राजस्थान का है, पंजाब का नहीं है। गिद्धा इसके अंदर पंजाब का है, बिल्कुल सही है। और ठीक है, यहाँ पे झूमर और घूमर दोनों में देख सकते हैं डिफरेंस, जो डी और एफ के अंदर जो झूमर है वो तो पंजाब में है, लेकिन जो घूमर है ना वो राजस्थान के अंदर है। तो थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस देख लीजिएगा। और जो कुम्मी है ये तमिलनाडु है, चांगू ये उड़ीसा में होता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तीनों में होता है, और थेरुकुट्टू तमिलनाडु, रास और डांडिया रास, ठीक है, ये गुजरात में, चाहुआ उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, याक्षकना ये कहाँ पर, कर्नाटका में, और बैम्बू कहाँ पर होता है, नागालैंड में। तो ये सारे कुछ बेसिक से है, आप इसको याद कर लीजिएगा, पेपर में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चों के जो आंसर है मुझे तो लगता है गलत ही आएंगे, लेकिन देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रियंका जी बिल्कुल सही बात है, घूमर इज डिफरेंट फ्रॉम झूमर, ठीक है, झूमर और घूमर अलग है। घूमर जो है वो राजस्थान का है, झूमर जो है वो पंजाब का है, ठीक है, इतना सा आपको बात ध्यान रखनी है। और कल उन्होंने पूछा था कि घूमर, एक स्टूडेंट ने, कि घूमर और झूमर एक ही है क्या, तो इसीलिए मैं इसको अलग करके आज मैंने दोनों आपके लिए डाला है, कि जो घूमर है घूमने वाला वो जो राजस्थान का है, झूमने वाला है तो पंजाब में, वैसे ही झूमते बहुत है, तो उस तरीके से याद कर सकते हैं, झूमने वाले वहां पे बहुत है, तो झूमर जो है वो कहाँ का होगा, वो पंजाब का होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, हाँ, पद्मावती से याद रहेगा, बिल्कुल सही बात है, घूमर एक गाना भी है पद्मावती मूवी में, उससे आपको याद रहेगा, क्योंकि पद्मावती स्टोरीज आपको बताइए राजस्थान की है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ की क्वीन थी, तो इसीलिए आप उसको इजीली याद कर सकते हैं वहां से, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रिसेशन को लेकर, रिसेशन के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग ए रिसेशन क्या होता है, यह आपसे पूछा गया, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। रिसेशन के टाइम पे होता क्या है, देखिए फ्रेंड, कई बार आपने सुना होगा रिसेशन वर्ड, क्यों होता है, उस रिसेशन में होता क्या है, ये सब आपको मैं आज क्लियर करूंगा। 2008 के अंदर रिसेशन आया था, आपको पता ही है ना, बहुत बड़ा रिसेशन था पूरी दुनिया में, ग्लोब पे रिसेशन था। रिसेशन जब होता है तो बिजनेस कभी भी एक्सपैंड नहीं होता है, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि उसका होता है इन्फ्लेशन। अगर सब इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक अगर आपकी GDP या फिर जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो काफी पॉसिबिलिटी होती है कि रिसेशन आ जाता है। 2 से 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक के कॉन्जिक्यूटिव ईयर इसको हम पैरामीटर के तौर पर मानते हैं। तो रिसेशन का सबसे बड़ा जो रीजन है पूरे ग्लोब के अंदर वो क्या है, इन्फ्लेशन। होता क्या है कि किसी भी चीज की, ठीक है, मैं सारी चीजें रिलेट करके आपको बताऊंगा, इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो यानी कि रिसेशन आ गया है, पहली बात तो सबसे बड़ा रीजन। इन्फ्लेशन में होगा क्या कि आपकी जो प्राइसेस है किसी भी प्रोडक्ट की या फिर सर्विसेज की,
वो काफी ज्यादा महंगी हो जाएगी सेम अमाउंट के ऊपर, ठीक है। सेम अमाउंट जो पैसा अभी आप जिस पैसे से अभी आप काफी चीजें खरीद लेते हो ना, रिसेशन इन्फ्लेशन आने पे वो चीजें आप नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। प्राइस जो है अपनी जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू किसकी, हमारी जो करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आपने सुना होगा ना इन्फ्लेशन के अंदर कई सारे देशों में ऐसा होता है, वेनेजुएला में कई जगह पे हुआ है कि बोरी भर के आपको ब्रेड लेके आनी पड़ती है। पहले भी मैंने समझाया इस बारे में, तो यानी कि बोरी भर के अगर आप पैसे लेके जा रहे हैं और एक ब्रेड खरीद रहे हैं, तो यानी कि ब्रेड की वैल्यू भी बहुत ऊपर बढ़ गई है, प्राइस भी बहुत बढ़ गई है, और यानी कि आपकी जो वैल्यू करेंसी की है वो डाउन हो गई है, इसीलिए आपको इतने सारे पैसे लेके जाने पड़ रहे हैं। ऐसा होता है इन्फ्लेशन के अंदर, और जब इन्फ्लेशन आता है तो रिसेशन आ जाता है। अब अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो होगा क्या कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगी, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट अगर आप पार्ले जी अगर मान लो अगर कल को 100 रुपए का हो गया पार्ले जी, तो क्या उसका इतना प्रोडक्शन हो पाएगा जितना कि अभी 5 रुपए में होता है, नहीं हो पाएगा। तो होगा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो रिसेशन में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे यही चीज दे रखी है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो हो जाएगा होगा क्या, ठीक है, देयर विल बी अ कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन। हाँ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो आप अपनी जो कैपेसिटी से काम कर सकते हो वो कैपेसिटी से काम नहीं हो पाएगा और यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा मैन पावर का। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर होना चाहिए, देयर विल बी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन, यानी कि कैपेसिटी से आप काम नहीं कर पाओगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और इस तरीके से आपका पूरा सिनेरियो क्रिएट होगा। तो आंसर इसका सी होगा। कई बच्चे बोल रहे हैं एएलपी की क्लास, तो फ्रेंड एएलपी की क्लास के लिए आप सभी के लिए एक जो खुशखबरी है वो ये है कि आप सभी के लिए एएलपी की जो क्लास है वो सुबह 8 बजे करंट अफेयर वाली तो चलाई दी गई है। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप सभी के लिए, पता है ना एएलपी के अंदर जो 4th वाला सब्जेक्ट है वो करंट अफेयर है। इसके अलावा सुबह 9 बजे मंडे से, अभी 3 बजे तो आपके लिए है ही एएलपी की क्लास, और मंडे से सुबह 9 बजे आपके लिए जो जीएस है जनरल साइंस है उसकी क्लास आपके लिए चलाई जाएगी, ठीक है। बात उसके अलावा टेक्निकल की है तो कुछ दिनों के अंदर टेक्निकल क्लासेस भी आपके लिए स्टार्ट करी जाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आरआरबी में काम देगा, जो आपके जेईई एईई एसएससी जेईई सभी में आपके लिए बहुत यूटिलाइजेशन होगा और उसमें बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो जल्दी आपको वो सब क्लासेस भी मिलेगी। वाईफाई स्टडी आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा है, और तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देयर विल बी ए कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन, ये इसका आंसर होगा। आप देख सकते हैं और भी सारे रिसेशन से क्या क्या नुकसान होते हैं आपके सामने लिखे हुए होंगे। अब देखिए इसके अंदर कई सारे नुकसान हैं रिसेशन के, होगा क्या रिसेशन के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट को कर्जा बहुत बढ़ जाएगा, असेट के प्राइजेस कैसे हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे, लोगों को डिमांड उनकी बड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, यही तो होता है। और इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, ठीक है, कट करना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को, और इन्वेस्टमेंट में लोगों को बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा और उनके पैसे डूबने के बड़े चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे प्रशांत जी बोल रहे हैं एएलपी क्या है, एएलपी है असिस्टेंट लोको पायलट। रेलवेज के अंदर अभी काफी सारी वैकेंसीज आई है असिस्टेंट लोको पायलट की और टेक्नीशियन की, ठीक है। वापस से बता रहा हूँ, जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वो लोग इसको भर सकते हैं फॉर्म को, और जिनके पास में आईटीआई है या फिर कोई डिप्लोमा है किसी भी इंजीनियरिंग के 4 फील्ड के अंदर, अगर 10+2 के अंदर आपके पास में फिजिक्स या मैथ है, ठीक है, तो भी आप 2 सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीटें हैं जो कि फिजिक्स मैथ 10+2 वालों के लिए भी है। पूरा का पूरा वीडियो नोटिफिकेशन का आपके साथ वाईफाई स्टडी की साइट पे है, यूट्यूब चैनल पे है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया। हमेशा मैं आपको बताया करता हूं कि नेशनल पार्क देश के जो कि 103 है, बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 18 है, टाइगर रिजर्व जो कि 50 है, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने, 1000 से ज्यादा है। अगर आपने नेशनल पार्क याद कर लिए तो नेशनल पार्क के नाम से ही बायोस्फीयर रिजर्व भी है, उसी के नाम से ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, और उन्हीं के नाम से टाइगर रिजर्व भी है। तो आप एक चीज से तीनों चारों अपने काम निकाल सकते हैं। मैं आपको हमेशा एक मैप दिखाया करता हूं नेशनल पार्क का। आज टाइगर रिजर्व भी पूछा गया है, दुधवा नेशनल पार्क भी है जो कि कहां पर है, यूपी के अंदर है, और दुधवा जो है टाइगर रिजर्व भी है जो भी कहां पे होगा, यूपी में ही होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो आपको पता ही है कि कर्नाटका वो स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर है। सबसे ज्यादा टाइगर कौन से नेशनल पार्क में है, वो है बांधवगढ़ के अंदर। देश में टाइगर को लेकर 1972-75 से काफी बड़ा ऑपरेशन चलाया गया टाइगर रिजर्व को लेकर, टाइगर को बचाने को लेकर। दुनिया के 70% टाइगर हमारे ही देश में है, उसमें से 4,500 के आसपास टाइगर मान लीजिए जो कि 2016 के अंदर काउंट करे गए।
मैंने करंट अफेयर में एक बात और बताई थी कल के वीडियो में कि इंडिया टाइगर सेंसस करने वाला है, टाइगर की जनगणना होने वाली है, और भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ये चारों देश मिलके सेंसस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि भूटान भी पार्टिसिपेट कर रहा है टाइगर की जनगणना के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, आपके सामने इमेज भी देख सकते हैं आप, ये सारे टाइगर रिजर्व है जो कि आपके पेपर में कई बार रिलेटेड पूछे जाते रहते हैं क्वेश्चन, जैसे कि रणथंभौर, पंच आपको पता ही है, और शादरी है, नागरहोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरीहाट केरला में बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में मधुमलाई, अन्नामलाई और साथ में कालाकंड, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इंद्रावती, छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, जैसे कि नामधापा, काजीरंगा, सुंदरबन, तो आपके इसमें वेस्ट बंगाल में आ गया, सिमीफाल उड़ीसा में आ गया, और नामेरी, मनहास, बुक्सा, नामधापा, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ये सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे ग्रीन हाउस गैस को लेकर पूछा गया कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लेट करती है, ओजोन लेयर को डिप्लेशन, पता है ना आपको, ओजोन लेयर जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेस से, और उसकी जो विड्थ है ना वो 0.01 mm की है, डॉब्सन ओजोन लेयर की यूनिट है, ये भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस है, आपको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन और साथ में मीथेन, ये सारे के सारे CFC, HCFC, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस होना भी बहुत जरूरी है, दो तरीके की ग्रीन हाउस गैसेस होती है, एक तो नुकसान करती है पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एंथ्रोपोजेनिक और एक साथ में जो हार्मफुल होती है। एंथ्रोपोजेनिक कैसे होती है, बेनिफिशियल होती है, अगर हमारे ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती नेचुरल वाली तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर होता -18 degrees Celsius। अभी मैं यहाँ पे आपके सामने एक बड़ा सारा मोटा सारा कोट पहन के खड़ा होता, पूरी अर्थ का टेम्परेचर होता -18 degrees, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस है इसी की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो +15 degrees Celsius है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, कौन सी, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी सबसे ज्यादा नुकसान करती है। देखिए पहला वाला ऑप्शन जो है ना वो है B2H6। B2H6 क्या होता है, ये डिबोरेन होता है, डिबोरेन, B2H6 ये क्या होता है, डिबोरेन, ठीक है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है ओजोन लेयर से। दूसरा वाला जो ऑप्शन है NF3 की बात करें तो ये क्या है, अपना वो है, ठीक है, फ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड, देखिए नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, तो ये भी एक नेचुरल है। CCl3F क्या होता है, ये आपका होता है ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ठीक है, CCl3F, और ये होता है जो कि प्रोड्यूस होता है, जो कि नेचुरली नहीं होता है और आर्टिफिशियल है, जो कि हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, CCl3F, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ये नॉन नेचुरल सोर्स है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि नेचुरली मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचाता है। डी वाला ऑप्शन है C6H6, पता है ना क्या होता है, बेंजीन होता है, बेंजाइन रिंग होती है ना, बेंजाइन इस तरीके से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बेंजीन होता है जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, किसका, क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल के अंदर बेंजीन ही तो होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ये बेंजीन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सही किया होगा, और आंसर क्या है इसका, सी इसका सही आंसर है, ठीक है, काफी लोगों ने यहाँ पे जो आंसर है वो सही दिया है, नहीं बहुत लोगों ने गलत दिया है, ठीक है, बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है, बिल्कुल सही बात है, हिम मानव बन जाते हैं हम, ओके, और हाँ बिल्कुल काफी लोगों ने इसका आंसर सही भी दिया है, एवरेज टेम्परेचर -18 degrees हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो, काफी बच्चों ने सही से कमेंट करे, और आप साथ में इमेज भी देख सकते हैं जो कि कुछ एक ग्रीन हाउस गैसेस की है, ठीक है, ये देखिए आपके सामने कुछ ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सब भी, ओके, और यहाँ पे वैभव जी बोल रहे हैं कि सेक्शन वाइज करवाने के लिए, देखिए वैभव जी मैंने 200 वीडियो बना रखे हैं आपके लिए, तो जो 200 वीडियो वो मैंने सेक्शन वाइज ही बना रखे हैं, जैसे कि एक दिन हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस के साथ वो मैंने कंसेप्ट बताए हैं, किसी दिन बायोलॉजी के, किसी दिन केमिस्ट्री के, किसी दिन फिजिक्स के, तो वो सारे वीडियोज आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में, ताकि आपके क्वेश्चंस भी रिवाइज हो और साथ में कंसेप्ट भी रिवाइज हो, दोनों की फॉर्म में मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं, उनको जरूर देखिएगा, ठीक है, जिनको सब्जेक्ट वाइज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
दीपक पारिक के बारे में पूछा गया। दीपक पारिक कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं? दीपक पारिक बहुत ही फेमस नाम है दीपक पारिक का। दीपक पारिक के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो आपने HDFC उसके बारे में क्या नाम है HSBC जो है, HSBC भी नहीं है, हाउसिंग डेवलपमेंट बैंकिंग कॉर्पोरेशन, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, HDFC के बारे में सुना होगा आपने। तो HDFC जो है वो इन्हीं का ही है, माने कि जो चेयरमैन है वो यही है, दीपक पारेख, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओके, तो इसके जो चेयरमैन है वो यही पर्सन है। तो किससे ये सेक्टर जुड़ा हुआ है? बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। तो आपको आंसर क्या होगा? बैंकिंग इसका सही आंसर होगा, ठीक है। काफी लोगों ने इसका आंसर सही भी दिया है, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर आपके सामने दीपक पारेख के बारे में लिखा होगा। ओके, दीपक पारेख है, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उसके बाद में इन्होंने काफी जगह पे काम भी किया और अभी रिसेंटली बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है। और धर्मवीर जी बोल रहे हैं कि रिपीटेशन में देख सकते हैं, बिल्कुल धर्मवीर जी, ये वीडियोस आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, जो 200 वीडियोस है वो भी हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, कभी भी कोई भी वीडियोस ही हटेंगे नहीं, आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और बीटेक के लिए बोल रहे हैं, कौन सी ब्रांच के लिए? कंप्यूटर के लिए नहीं है, ठीक है, और कंप्यूटर के लिए पूछ रहे थे एक स्टूडेंट, उनके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमेशा की तरह आपसे ऑर्डर में पूछा गया है यूरेनस को लेकर। तो हमेशा मैं आपको बता रहा करता हूँ कि मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जैक्सन, ठीक है, माइकल जैक्सन और सन, वापस से मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है इसलिए इसको रट लीजिए, मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जॉर्डन, माइकल जैक्सन कुछ भी या फिर और सन, ये आपके ऑर्डर है, ठीक है। तो कौन से नंबर पे है यूरेनस? सातवें नंबर पे है। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? सेवंथ, यानी कि डी आपका सही आंसर होगा। और इसके अलावा साइज के अकॉर्डिंगली भी याद करिए, पूछते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून, फिर अर्थ पांचवें नंबर पे, फिर वीनस छठे नंबर पे, मार्स सातवें नंबर पे और आठवें नंबर पे मरकरी। तो ये ऑर्डर है आप सभी का, आप सभी सारे के सारे प्लैनेट का, जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके, साथ में फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स जिस तरीके से आपको बेनिफिट हो रहा है और उसी तरीके से अगर आप किसी के साथ में शेयर करेंगे तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे उनको भी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, जितना हो सके वीडियो को लेके जाएं आगे तक, जिससे गांव में और हर जगह पे वीडियो देखने वालों को फायदा पहुंचे, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है, काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है और बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप देख सकते हैं जो ऑर्डर है प्लैनेट्स का आपके सामने इमेज भी है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मोर स्केल क्या होती है, ठीक है। मोर्स स्केल के बारे में सुना होगा आपने, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मोर्स स्केल एक स्केल है जो कि किसी चीज को मेजर करती है। क्या मेजर करती है? वो हार्डनेस को मेजर करती है, ठीक है। चार ऑप्शन है यहां पर, देखिए पहला वाला दिखा हुआ है ब्राइटनेस ऑफ ए सब्सटेंस। ब्राइटनेस को पता करने के लिए फोटोमीटर काम में लिया जाता है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, काम आएगा पेपर में, इसी को घुमा घुमा के सवाल आते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन होते हैं ना वो नए वाले सेट के अंदर क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन को उसको डाइसेक्शन करना बड़ा जरूरी है। पहला वाला फोटोमीटर, ठीक है, क्या चीज के लिए? ब्राइटनेस के लिए। दूसरा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है मेजर विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड की विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए, तो उसके लिए क्या आता है? विस्कोमीटर आता है। इसके अलावा एक रियोमीटर भी होता है साथ में, दोनों ही विस्कोसिटी के लिए काम में आते हैं। तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई मीटर नहीं है, वैसे मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना पड़ता है, उसके बाद में उसके बारे में पता चलता है। चौथा वाला जो है वो मोर्स स्केल है, यानी कि जो मोर होगा ना वो हार्डनेस के बारे में पता करेगा, कौन सी चीज कितनी हार्डनेस है ये मोर्स स्केल बताएगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आप इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से मोर जो है वो स्केल है और किस तरीके से हार्डनेस के बारे में बताया करती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, देख सकते हैं आप, इसमें नंबर रैंकिंग होती है 0 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक जिसके अंदर, और सारे की सारी चीजों को रैंक किया गया है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और प्रियंका जी बोल रही है कि 200 वीडियो किस नाम से मिलेगा, तो आप देख लीजिए, नाम डाल दीजिए कुछ, वाईफाई स्टडी के चैनल पर देख लीजिए, साथ में आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है, लिंक दिया हुआ है, यहां से आप वो वीडियो की तरफ जा सकते हैं, सारे वीडियोज आपको वहीं पर मिलेंगे, ठीक है, लिंक पर क्लिक कीजिए और
टैल्क लिखा हुआ ना, एक नंबर के ऊपर टैल्क है, सबसे सॉफ्ट जो है ना वो टैल्क ही है, ठीक है। और साथ में जीके 24 फ्रेंड, देखिए सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आप सभी को, अगर आपको जितने भी वीडियोस चाहिए ना, सब सारी करंट अफेयर, सारे करंट अफेयर के अलावा ये सारे वीडियोस और साथ में 205 वीडियोस, तो बेस्ट तरीका क्या है कि जीके 24 एक एप्लीकेशन है, अपनी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। जीके 24 को डाउनलोड करने के बाद में सारे वीडियोस आपको ऑर्डर के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, कोई भी इशू नहीं आएगा आपको, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, टैल्क पेपर में पूछते हैं सबसे सॉफ्ट क्या होता है, तो टैल्क होता है, सबसे हार्डेस्ट क्या होता है, डायमंड होता है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है कुतुब मीनार, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। कुतुब मीनार के बारे में पूरी तरीके से स्टडी करी है, कई बार बता चुका हूं, पहला फ्लोर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना स्टार्ट किया था, उनके वो थे गुरु थे कुतुबुद्दीन नाम से, उनके नाम से उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार बनवाई, स्टार्ट करवाई बनाना, एक फ्लोर बनाया, उसके बाद में तीन जो ऊपर के फ्लोर है वो बनाया किसने, इल्तुतमिश ने, उसके बाद में जो पांचवा फ्लोर है वो किसने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। तो पेपर में अगर ये सवाल आता है कि सबसे ऊपर वाली मीनार किसने बनवाई, फिफ्थ फ्लोर कुतुब मीनार का किसने बनाया, तो आपको पता होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। कुतुबुद्दीन कॉम्प्लेक्स जो है कुतुब मीनार का, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर और भी सही कई सारी चीजें हैं, जैसे कि अलाई दरवाजा है, उसके अलावा वहां पे आयरन पिलर भी है, वहां पे वो भी है, दरगाह भी है, किसकी, एक तो खिलजी की भी है, और खिलजी की नहीं इल्तुतमिश की है, ठीक है, इल्तुतमिश की है वहां पे, और साथ में एक तो खिलजी की भी है, दोनों की वहीं पे ही है, खिलजी और इल्तुतमिश दोनों की वहीं पे ही है टॉम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आते हैं, ठीक है, और काफी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, ए इसका सही आंसर है, दिल्ली के अंदर है ये, और बिल्कुल सही आंसर है, काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछा गया वो बाजीराव के बारे में पूछा गया, बाजीराव वन, बाजीराव मस्तानी देखिए ना आप सभी ने, बाजीराव वही वाले बाजीराव वही है, बाजीराव वन के बारे में जब हम बात करते हैं तो बाजीराव मस्तानी पिक्चर आ चुकी है, तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत, तो बाजीराव काशीबाई, ठीक है, नाना साहेब, उन सभी के बारे में नहीं पता, वापस से बता रहा हूं। देखिए जब भी मराठास की हम बात करते हैं ना, मराठास, मराठा एम्पायर, सबसे पहला नाम आता है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ठीक है, समवेयर 1674 में इनको छत्रपति की जो उपाधि दी गई, समवेयर वहीं पे शिवाजी के बेटे आए सांभाजी, उसके बाद में आए साहूजी, साहूजी ने क्या बना दिए, पीएम बना दिए, पेशवाज, उनको बोलते थे पेशवा, ठीक है, पेशवाज कौन होते थे, पीएम हुआ करते थे इनके दरबार में, यानी कि मिनिस्टर, टॉप लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि आज के टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वैसे साहू जी ने पेशवाज बना दिया। साहू जी लुढ़क गए, साहू जी के जाने के बाद में कौन आए सबसे पहले, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के बाद में मराठा एम्पायर को संभाला किसने, बाजीराव वन ने, बाजीराव वन, ठीक है, बाजीराव वन, ये वही बाजीराव थे जिन्होंने बोलते हैं कि 41 लड़ाइयां लड़ी है और एक भी नहीं हारी, पूरा का पूरा मराठा एम्पायर उन्होंने ऊपर से नीचे तक नाप दिया था, और उसके बाद में फीवर के वजह से जब मर रहे थे ना तभी भी अटैक करने गए थे, 100,000 की सेना लेके अटैक करने गए थे, रास्ते में बीच में फीवर हो गया और हार्ट फेलियर हो गया, उसके बाद में इनकी डेथ हो गई, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो और निजाम विजाम सबको इन्होंने हरा दिया था, बहुत ज्यादा अच्छे तगड़े, अगर हम बात करें कि बाहर के जो राइटर्स हैं उन्होंने बताया कि भारत के इतिहास में सबसे ब्रेव और सबसे तगड़ा जो एक है ना किसी वॉरियर को पैदा किया है ना इंडिया ने, तो वो बाजीराव वन है। उसके बाद में इनके बेटे आए, ठीक है, बाजीराव के, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव का दूसरा नाम था नाना साहेब, नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब इनका नाम था। तो नाना साहेब भी ने भी थोड़ा बहुत काफी कुछ अच्छा किया, कुछ लड़ाई लड़ी भी, जीती भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में लास्ट थे माधो सिंह, माधो राव, ठीक है, माधो राव थे जो कि लास्ट थे इनके अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है, नाना साहेब और शमशेर बहादुर, ठीक है, ये तो थे काशीबाई के बेटे थे नाना साहेब, तो ठीक है तीन बेटे थे इनके, बाजीराव वन की दो बीवियां थी, एक तो आपको पता है ना, पिक्चर देखी होगी ना, काशीबाई और एक मस्तानी, काशीबाई के तीन बेटे थे, उसमें से एक थे नाना साहेब और मस्तानी का एक था जिसका नाम था शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर लड़ते हुए मौत हो गई थी, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है और आपके पेपर में बहुत काम आएगा। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे किस तरीके से मराठास ने आते गए और काफी लड़ाई लड़ी, ठीक है, मराठास ने बहुत साउथ इंडिया को काफी संभाल के रखा है,
ठीक है, अपने टाइम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर तो सभी को पता चल ही गया होगा, पेशवाज बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्ले स्टेशन को किसने इन्वेंट किया। प्ले स्टेशन की जब हम बात करते हैं तो सोनी कंपनी है जिसने प्ले स्टेशन को जो लेके आई थी। सोनी कंपनी के जो उस टाइम पे हेड थे, जो सीईओ थे सोनी कंपनी जो थी, जो कि प्ले स्टेशन बनाया करती थी, जो सोनी का एक डिवीजन था जो कि प्ले स्टेशन पे काम कर रहा था, उसके जो हेड थे वो कौन थे? कैन कुटरागी। कैन कुटरागी वो पर्सन थे जो कि उसके हेड थे। तो आंसर क्या होगा इसका? डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कैन कुटरागी। पहला वाला जो है व्हाइट ब्रदर आपको पता ही है, जिन्होंने प्लेन बनाया था, रेनॉल्ड जॉनसन। ठीक है, रेनॉल्ड जॉनसन वो पर्सन थे जिन्होंने हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव है ना, फादर ऑफ हार्ड ड्राइव बोलते हैं उनको, फादर ऑफ हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव पे उन्होंने काम किया था जॉनसन ने। अगली बार पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए हार्ड ड्राइव के फादर कौन है, तो जॉनसन है। तीसरे वाले जॉर्डन ऑफ है, इनके तो कोई ज्यादा अचीवमेंट नहीं है। और जो कैन कुटरागी जो है, कुटरागी इनको बोलते हैं फादर ऑफ प्ले स्टेशन। ठीक है, ये जो डी वाला ऑप्शन है इनको फादर ऑफ प्ले स्टेशन भी बोलते हैं। तो काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। और व्हाइट ब्रदर्स के बारे में पूछ रहे हैं शिव शंकर जी। व्हाइट ब्रदर्स जो वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले प्लेन के बारे में इन्वेंशन किया, प्लेन सबसे पहले इन्होंने उड़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये पूछा गया लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट। देखिए, लाइट इंटेंसिटी जो मेजर करते हैं वो हम किससे करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? मैं आपको तीनों चारों के ऑप्शन बताता हूं। देखिए, पहला वाला जो आपका ऑप्शन है वो है लूसी मीटर। ठीक है, जो लूसी मीटर है इसी से हम लाइट इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। लूसी से लाइट को रिलेट करके इसे याद कर लीजिए। जिस तरीके से हम वोकैबुलरी को हिंदी से याद करते हैं ना, वैसे ही लाइट को लूसी से रिलेट करिए और इसे याद कर लीजिए। आंसर तो हो जाएगा ए। दूसरा वाला क्या है? ठीक है, क्रायोमीटर। क्रायोमीटर की बात करूं तो ये आपके कोई भी छोटी जो चीज होती है ना, छोटे जो टेम्परेचर होते हैं, कम टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आता है। ठीक है, कोई भी बहुत जो माइनर सा टेम्परेचर होगा ना, उसको मेजर करने के काम में आएगा क्रायोमीटर। सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, क्रायोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टेम्परेचर मेजर करने के काम आएगा, लो टेम्परेचर, बिल्कुल लो टेम्परेचर के मेजर करने का आता है क्रायोमीटर। तीसरा वाला ऑप्शन क्या है? साइनोमीटर। ठीक है, साइनोमीटर किस लिए काम आएगा? साइनोमीटर ये ब्लूनेस, ब्लू कलर कितना है स्काई के अंदर। ठीक है, मतलब स्काई जो ब्लू नजर आता ना हमें, तो स्केटरिंग की वजह से, तो वो कितना ब्लू है वो साइनोमीटर बताएगा। साइनोमीटर ब्लूनेस और क्राइनोमीटर टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। और बैरोमीटर तो आपको पता ही है, बैरोमीटर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के काम में आता है, बैरोमीटर। ठीक है, ATM, एटमोस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, पेपर के में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से सवाल पूछते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे काफी बच्चों ने इसका जो आंसर है ना वो सही दिया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया ग्रेविटी को लेकर। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है कि विथ रेफरेंस टू द ग्रेविटी व्हाट इज जी कॉन्स्टेंट। कई बार बता चुका हूं फॉर्मूला आपको, ठीक है, वापस से बता रहा हूं। आप सभी को पता ही ना कि हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे पता करते हैं, कितना ग्रेविटी, कितना फोर्सेज है। कई बार इस फॉर्मूले को लेकर सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। जी तो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कॉन्स्टेंट है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए, चार बार पूछे जा चुका है, एक जो ये फॉर्मूला है ना, ठीक है, जिसको ग्रेविटी, इसको तो बोलते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट या फिर न्यूटन कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं इसको। अब इसी सब एक फॉर्मूले पे चार या पांच बार पेपर में सवाल आ चुका है। एक बार तो पूछा गया कि अगर रेडियस बढ़ जाएगा तो ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा। एक बार इसका उल्टा पूछा गया कि अगर रेडियस कम होगा तो इसका क्या होगा। एक बार पूछा गया कि ये जो किसके m1 और m2 जो है वो क्या होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, ये भी पूछा गया। इस बार पूछने गया ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो कितने सिंपल से एक ही फॉर्मूले में बार बार सवाल आए जा रहे हैं। सिंपल सा कंसेप्ट याद करना है, फॉर्मूला याद करना है। अब इसमें से ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के बारे में पूछा है तो एक किसका फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ये तो एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा जो कि आपके उसके अंदर है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने इमेज होगी और बिल्कुल सही कहा है मानसिंह ने, 9.81 है वो, 18 नहीं है,
जो है वैल्यू जो जी की है ना वो 9.81 है फ्रेंड, 9.18 नहीं होती है। आपके सामने इमेज होगी, आप देख सकते हैं जो 6.02 इंटू 10 की पावर समथिंग भी उसके अंदर गिवन होगा एक्सीलेशन टू द ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। तो आपके सामने इसे पूरा स्टडी करिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में बहुत काम आएगा। ओके, बिल्कुल सही बात है। तो 6.67 × 10⁻¹⁰, ये आपका जी की वैल्यू होती है और आखिरी में क्या आएगी एक्सीलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी 9.81 आएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो डी ऑप्शन, वो तो मैं इसका बता रहा था, ठीक है, ये वाला जो आपका डी है ना वो इसका ये होगा, डी आंसर जो होगा ना आपका वो तो ए होगा। जो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ना एक्सीलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी वो तो क्या है, ये वाला है, और मैं इसके बारे में पूछा है पेपर में, तो ये तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम न्यूटन कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में कहां पर दिया हुआ है, ए पे दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो ए दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही कहा है। ओके, बाकी बिल्कुल सही कहा है बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ए ही इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अक्षर वर्ड लिखे हुए हैं, कितने शब्दों से बना है, ये आपसे पूछा है। अब देखिए, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा वर्ड भी हमारे संविधान के अंदर है। एक्चुअली थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है और यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं एक्चुअली बात करूं कि कितने हैं तो ये टोटल होता है 1,11,17,369 इतना कुछ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि जब बना था उस टाइम पे कितना था, तो यहाँ पे जो आपका लोगों ने आंसर किया है 60,000, काफी लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं इसका। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 117369 इसके समवेयर होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए अभी मैं करंटली बात करूं ना, आंसर तो वैसे इसका सी होगा, ठीक है। आपको पता है ना कि जब हमारा संविधान बना था ना तब 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे, और टोटल कितने वर्ड थे, समवेयर 80,000 के, आंसर तो आपका सी हो गया। लेकिन अगर मैं टोटल बात करूं अभी तो आपको 445 आर्टिकल, 25 पार्ट, 12 शेड्यूल्स, ठीक है, 5 अपेंडिक्स, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और ऐसे करके 1,117,369 इतने हमारे वर्ड्स हैं। तो वैसे अगर मैं पूरा टेक्निकली बात करूं ना तो आंसर इसका डी होना चाहिए था, लेकिन आपका जो पेपर है ना उसमें सी आंसर दे रखा था, ठीक है, क्योंकि शायद उन्होंने पहले के रेफरेंस पे बात करी होगी। ओके, उन्होंने पहले के रेफरेंस पे बात करी होगी। अभी की अगर मैं बात करूं तो 1,17,000 के समवेयर, 1,17,369, ठीक है, इतने वर्ड्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा पहले के बारे में पूछा होगा शायद, इसीलिए जो आंसर है वो सी दे रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है और काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बच्चों ने सही दिया है। ज्योति जी ने बिल्कुल सही बात बोली है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे बनाने में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, काफी टाइम लग गया था इसको लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि पूछा गया आपसे यूएफए फुटबॉल चैंपियनशिप को लेकर, कि ये जो यूएफए फुटबॉल चैंपियनशिप है ये 2016 में किसने जीती थी। देखिए, ये जो यूएफए फुटबॉल चैंपियनशिप है ना, ये यूरोप के जो देश है, यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के जो मेंबर है वो सारे देश खेलते हैं। 2016 के अंदर कहां पे हुआ था, ठीक है, ये फ्रांस के अंदर हुआ था, और फ्रांस को ही हराया था किसने, पोर्चुगल ने, तो 1-0 से हराया था पोर्चुगल ने, तो आंसर क्या होगा, पोर्चुगल है ए ऑप्शन के ऊपर, तो ए इसका सही आंसर है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी डाउट नहीं है, ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे पूछा गया, ओथ ऑफ द वायु पुत्राज शिवा ट्रिलॉजी ये किसने लिखी है। ये इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, ये इसके जो राइटर है इनकी सारी किताबें, पहले भी सवाल आ चुका है इन्हीं पर्सन के ऊपर, दूसरी किताब के बारे में पूछा गया था। तो अमीश त्रिपाठी के बारे में आपको पता होगा, अमीश त्रिपाठी ने शिवा के बारे में, लॉर्ड शिवा के बारे में काफी कुछ लिखा है, और वही इसका सही आंसर है। तो आंसर क्या होगा, ए अमीश त्रिपाठी इसका सही आंसर होगा, आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, आपके सामने इमेज होगी जिसके अंदर पहले तो कवर पेज देख लीजिए, हाँ ये कवर पेज है इस किताब का, और इसके अलावा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है ये वाला, बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चन नहीं शो हो रहा, 25th वाला जो क्वेश्चन होगा एक बार चेक कर लेते हैं,
ओथ ऑफ द वायु पुत्रास। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। जो 25वां क्वेश्चन था ना वो था ओथ ऑफ द, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होगा शायद, ओथ ऑफ द वायु पुत्रास। शिवा ट्रिलॉजी नाम की जो किताब है वो किसने लिखी थी? क्वेश्चन छोड़िए, मैं बोल रहा हूं आपको कि आपको पता ना है कि जो शिवा ट्रिलॉजी है ये किसने लिखी थी। तो ये अमीश त्रिपाठी एक पर्सन है, उन्होंने लिखी थी। उन्होंने कई सारी शिवा के ऊपर किताबें लिखी है, वो किताबें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं लास्ट वाली इमेज के अंदर। ठीक है, ये सारी किताबें हैं जो कि उन्होंने लिखी है। अभी ये पेपर में कई बार आती है, ओके, जैसे कि शिवा ट्रिलॉजी की 3 किताबें हैं, रामचंद्रा सीरीज है, इसके अलावा नॉन फिक्शन लिखी हुई है इमॉर्टल इंडिया, लेटेस्ट कौन सी है, इमॉर्टल इंडिया है। तो ये सारी किताबें इन्होंने लिखी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही, उम्मीद है आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, काफी कुछ आपके पेपर में काम आएगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए वाई फाई स्टडी के साथ और आगे बढ़ते रहिए। तो उम्मीद है आप इस तरीके से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास भी आपके लिए अवेलेबल है। और आपको शेड्यूल पता है ना, SBI के लिए, UP पुलिस, FCAT, साथ में CHSL, तो सारी क्लासेस, RRB, सारी की सारी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर दी गई है वाई फाई स्टडी ने। और उम्मीद है आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, जितना हो सके आगे तक पहुंचाइए और लोगों के पैसा बचाइए, टाइम बचाइए, स्मार्ट तरीके से पढ़ने का एक जो तरीका है वो प्रमोट करना है हमें। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।